रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक्कर ना वेट ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः एक बार मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का मोहित शर्मा के एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चाहे भले आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल हो सकता है रामबाण, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। जिन्होंने कर रखा है उनका दिल से धन्यवाद है, और जिन्होंने नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए वो होगा रामबाण सर। तो आज का जो अपन का टॉपिक है वो है कि राजस्थान के जो जिलेवार जो वन्य जीव जो घोषित है, अलग अलग जिले के जो अलग अलग शुभंकर जो घोषित है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि 3300 जिलों के जो भी अलग अलग शुभंकर हैं वो कौन कौन से हैं और क्या हैं। तो पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान जो है वो देश का एक मतलब एकमात्र जो है पहला ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्येक जिले के अलग अलग जिले व वन्य जीव जो है वो घोषित है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ प्रत्येक जिले का अलग अलग वन्य जीव घोषित किया गया है, और जिले के शुभंकर वन्य जीव बनाने का आदेश कब से 17 फरवरी 2016 से। शुरू करते हैं अपन बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर में किसके लिए, बीकानेर में शुभंकर जो है वो क्या भट्ट तीतर, कौन है भट्ट तीतर बीकानेर में, ठीक है। फिर श्री गंगानगर, तो आपका गंगानगर में कौन है चिंकार, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में कौन है आपका छोटा किलकिल, चूरू में कौन है आपका काला हिरण, झुंझुनू में कौन है काला तीतर, झुंझुनू में कौन है माय डियर फ्रेंड काला तीतर, सीकर में शाहीन, और जयपुर में जो है आपका वो है चीतल, अलवर में जो है आपका वो है सावर, और दौसा में जो है आपका खरगोश, और भरतपुर जो है वो उसका क्या है शुभंकर सास, धौलपुर का जो है आपका वो है पचीरा, उसको हम बोलते हैं इंडियन स्क्रीमर, और ये है करौली का है आपका घड़िया, और सवाई माधोपुर का जो है आपका वो है बाघ, और कोटा का जो है वो आपका उर्मिला, और बूंदी का जो है बूंदी का है सुखरा, कौन है सुखरा, और बारा का है आपका कौन मकर, झालावाड़ का है आपका कौन गागरोटी तोता, चित्तौड़गढ़ का कौन है चौसिंगा, और 19वां है आपका प्रताप मतलब प्रतापगढ़ का कौन है आपका उड़न गिनेरी, और बांसवाड़ा का कौन है जलपीपी, और आपका फिर डूंगरपुर का कौन है जंगली धूक, और उदयपुर का कौन है आपका बिज्जू, और आपका राजसमंद का कौन है भेड़िया, सुरभी का कौन है आपका जंगली मुर्गा, और आपका जालौर का कौन है भालू, फिर आपका अगला बाड़मेर, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, फिर इसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर का घोड़ा बन, 28 जो आपका है जोधपुर, जोधपुर का कौन है कुरंजा, पाली पाली का कौन है आपका तेंदुआ, अजमेर, अजमेर का कौन है अजमेर का है खड़मोर, भीलवाड़ा का कौन है मोर, और आपका टोंक का कौन है हंस, और नागौर का कौन है आपका राजहंस। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट प्रत्येक जिले के अलग अलग घोषित जिलेवार वन्य जीव, यानी कि जिसको अपन शुभंकर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मारो राजस्थान जो है मतलब मारो राजस्थान देश को पहले ऐसा राज्य है जिसमें मतलब प्रत्येक जिले को अलग अलग वन्य जीव घोषित है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह कि मारो राजस्थान प्रत्येक जिले का अलग अलग वन्य जीव घोषित है, देश का पहला ऐसा राज्य राजस्थान, मारो राजस्थान। तो आपके जितने भी प्रकार के प्रतियोगी एग्जाम है सभी के लिए है ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, तो उम्मीद करता हूँ इनको आप नोट भी कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको मजबूत भी कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये फायदा ही फायदा है, जनरल आपकी जो भी जीके वाला पार्ट है उसमें आ जाता है, ठीक है। जनरल जो भी नॉर्मल है वहां से आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो टफ हो जाते हैं, रामबाण चीज है इसके लिए। तो इसके लिए फिर अपन इसको जो है वो दोबारा से जो है वो रिपीट भी जो है एक बार कर देते हैं शुरू से, ताकि आप इनको एक बार रिवाइज होकर के नोट भी आप लोगों कर सकते कि राजस्थान के जिलेवार वन्य जीव, राजस्थान देश का पहला राज्य जहां प्रत्येक जिले का अलग अलग क्या घोषित है वन्य जीव घोषित किया गया है, और जिले के शुभंकर वन्य जीव बनाने का आदेश कब से 17 फरवरी 2016 से। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर किसके लिए, भट्ट तीतर के लिए, श्रीगंगानगर किसके लिए चिंकारा के लिए, और हनुमानगढ़ है छोटा किलकिल के लिए, चूरू है काला हिरण के लिए, झुंझुनू है आपका काला तीतर के लिए, और सीकर है शाहीन के लिए, जयपुर है चीतल के लिए, अलवर सांभर, और दौसा जो है वो है आपका खरगोश, भरतपुर किसके लिए सारस के लिए, और जो आपका धौलपुर है वो किसके लिए आपका पछीरा इंडियन स्क्रीमर इसको हम बोलते हैं, करौली घड़ियाल, सवाईमाधोपुर बाघ, कोटा किसके लिए उदबिलाव, और जो आपका बूंदी है बूंदी किसके लिए सुखराब,
और 12 किसके लिए, मगर। 17 फिर आपका है कौन, झालावाड़। झालावाड़ है गागरूनी तोता। चित्तौड़गढ़ चौसिंगा, प्रतापगढ़ उड़नघिलेरी, बांसवाड़ा जलपीपी, और डूंगरपुर है आपका जंगली धोक, उदयपुर बिज्जू, और राजसमंद जो है आपका भेड़िया, सिरोही है जंगली मुर्गा, जालौर है भालू, और बाड़मेर है मरु मरु लोमड़ी, जैसलमेर घोड़ावन, जोधपुर है कुरंजा, पाली है तेंदुआ, अजमेर खड़मौर, भीलवाड़ा मोर, और टोंक हंस, नागौर राजहंस। तो ये थे प्रिय विद्यार्थी और राजस्थान के जिलेवार वन्यजीव घोषित। आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए ये होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आप चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और पहले से यदि आपने कर रखा तो आपका दिल से धन्यवाद है। जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर लीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए वो होगा रामबाण साबित। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी जो आज इम्पोर्टेंट वाला जो ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों ये थी अपन के आज का कुछ ये टॉपिक है अपन का, ठीक है। ये जो हुआ कंप्लीट, इसके बाद में मतलब आपको इसी प्रकार से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन को। ये कृषि से संबंधित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा भी आपके जितने भी अन्य प्रतियोगी एग्जाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें भी क्या है एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में जनरल एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फुल डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा पूरा मामला, ठीक है। और जीवन में यदि सफल होना है तो अपने फील्ड के प्रति जबरदस्त मेहनत करें, नकारात्मक लोग और नकारात्मक विचारों से रहें हमेशा दूर, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि लोगों का काम होता है भौंकना, और अपने कार्य के प्रति अपने फील्ड के प्रति इतने व्यस्त रहें कि आपको फालतू बातों में समय नहीं मिले। तो इसी के साथ मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल आपके लिए कुछ ना कुछ नया देता रहेगा, इसके लिए आपको नॉलेज जो भी आपके टॉपिक वाइज जो भी महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक है उनके लिए क्लासेस जो है आपको मिलती रहेंगी समय समय पर इसके लिए, और भी कई प्रतियोगी एग्जाम के लिए पेपर सोल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो इसके लिए ये आपको आज का टॉपिक जो था वो हो चुका है। जीवन में सफल होने के लिए अपने फील्ड के प्रति करें जबरदस्त मेहनत, और नकारात्मक लोग नकारात्मक बातों से रहें दूर, क्योंकि नकारात्मक लोग नकारात्मक बातों की बातें अधिकतम मनोबल गिराने के लिए होती है, ठीक है। और सीधी सी बात यही है कुल मिला के बात, क्योंकि लोगों का काम भौंकना, भौंकने दो सीधी सी बात, अपने काम के प्रति इतने व्यस्त कि फालतू कामों के लिए टाइम ही नहीं है, सीधी सी बात। तो मिलते किसी और टॉपिक अन्य जानकारी अन्य किसी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, आप सभी देखते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत, आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। मिलते हैं किसी और टॉपिक के, सब्सक्राइब जरूर करें।